अनितेश जी, सर मैंने आपका सवाल पहले लिया था, मैं चाहता हूँ दूसरे लोगों का सवाल ले लूँ ताकि सभी का कुछ ना कुछ हो जाए। तेजल देसाई, हाँ सर मैं बहुत याद करती हूँ और रोना आता है, वही चीज मैं बोल रहा हूँ। देखिए वो आप लोग उनको मजबूर करते हो, वो लोग जो रहते हैं यहाँ से चले जाते हैं हमारे परिजन, उनको हम मजबूर करते हैं आपको ये दिखाने के लिए कि मैं आप में ही जिंदा हूँ, आपके ही पास हूँ। उनको उसके लिए मेरिट बनानी पड़ती है, जो एंजल्स रहते हैं उनसे परमिशन मांगनी पड़ती है, जो ऊंचे लेवल की सोल रहती है उनसे माफी के साथ में परमिशन मांगनी पड़ती है कि एक बार प्लीज मुझे जाने दो उनके सपने में, मुझे विजिट करने दो उनके घर पे, ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन हम क्या होते हैं, हम मस्त लोग हैं, खूब रोएंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब ऐसा करेंगे, जब तक हमारी आंखें ना सूज जाएंगी तब तक हम छुपेंगे नहीं। फिर 2 घंटे हमें बहुत अच्छा लगेगा कि चलो बहुत रो लिए, अब फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उनको कितनी पीड़ा होती है वो आप नहीं जानते, वो हमें हमें पता है। और हम बताना भी चाहें तो आपको लगे, आप बोलते हो कि आपके भगवान के घर से आए हो। जी बिल्कुल, मैं भगवान के घर से आया हूँ। बीबा शेखर, सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या स्पिरिचुअल वे में आने के लिए अपनों को खोना पड़ता है? मेरे हस्बैंड बिल्कुल फिट और बहुत प्रिकॉशंस के साथ में रहते थे, फिर भी वो कोविड ने हमारी जिंदगी। ओके अच्छा सवाल है बीबा जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। 100 में से 95 लोग अवेकन नहीं है, उसमें से अगर 5 लोग अवेकन है तो 3 लोग ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी वजह से अवेकन हुए, जैसा आपका केस है, दूसरों का केस है, और कुछ रेयर आत्मा हैं जो इस अवेकन को कंटिन्यू कर पाती हैं। मैं अपने बारे में नहीं कहूंगा कि चलो दूसरे का, आप कहोगे कि अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन अपना भी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, क्योंकि एक छोटी सी एज में स्पिरिचुअलिटी में होना, उसकी तरफ ही रहना, बहुत सारे अड़ंगे आते हैं कि नहीं चलो इधर चले जाओ, एक लड़की की तरफ चले जाओ, अगर लड़की है तो लड़के की तरफ चले जाओ, और भी इस तरह के क्राइम कर लो, पैसा के लिए बैंक लूट लो, किसी के साथ में क्राइम फ्रॉड कर दो, इस तरह से बहुत चांस मिलते। लेकिन स्टिल जब आप एक ही उसमें बने रहते हो और किसी के किसी ने रूप में साथ में आते रहते हो, तो इस चीज को हम बोलते हैं अवेकन होना, और जन्मों जन्मों के साथ में अवेकन होना, ये चीज बहुत रेयर होती है। अब जैसा आपने पूछा है कि स्पिरिचुअल वे में आने के लिए क्या किसी को खोना पड़ता है, देखिए हमें खोना पड़ने की जरूरत तब पड़ती है जब आप उस चीज को देखना ही नहीं चाह रहे, तो कोई तो एक बाउंस बैक ऐसा आएगा बन के कि तब आपको पता लगे कि हाँ ऐसा भी कुछ है। अब आप अपने आप के बारे में देखिए, जब तक आपके हस्बैंड थे, जैसा आपने कहा बहुत फिट फाइन है, तो बहुत साइंस में प्रूफ आप बिलीव करोगे, गैजेट में बिलीव करोगे, लेकिन भगवान की भी पूजा करोगे, मंदिर में जाओगे, जो दूसरे धर्म के उसमें जाएंगे, लेकिन कभी भी स्पिरिचुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में नहीं देखोगे। आपने कभी भी डेथ के बारे में बात नहीं करी होगी, शमशान में जाने के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन अभी आप पढ़ रहे होगे, हमारी वीडियो देख रहे हो, दूसरे भाई लोगों की वीडियो देख रहे होगे जो स्पिरिचुअलिटी में काम करते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा भी कुछ है। तो इसी से आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। तो नेचर चाहता क्या है, आप इन सारी चीजों को सोचो, आज से ही प्रेयर करना स्टार्ट करो कि जो आज अवेकन में हो रही हूँ ये जन्मों जन्मों तक चले, तो माइट बी इट इट विल वर्क। तो ये शायद ऐसा हो के भी आप दूसरों को समझाओ, जो आज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी ऐसा हो गया, किसी की डेथ का इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब डेथ से हमें धक्का लगता है तो हमारी एक समझ आती है कि नहीं ये लाइफ ऐसी है, या तो एक्सेप्ट कर लो या तो समय आपको एक्सेप्ट करा देगा कि नहीं ये इस तरह से वर्कआउट करती है। तो इतनी सी बात है। सीमा मिश्रा, थैंक यू, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। दीक्षा साहू, सौरभ भाई जैसी बात आप कर रहे हो, समझ सकता हूँ मैं भी आपकी बात। तेजल देसाई, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू तेजल जी। गीतांजलि यादव, सर पहले बेटी को खो दिया, बेटे को खो दिया, क्या ये भी कोई बुरे कर्म? जी नहीं, मैंने वही बताया, डेथ किसी का होना कोई बुरे कर्म का नहीं है। डेथ का मतलब होता है कि आपने कितनी लाइफ साइकिल को जिया है और कितना होना चाहिए, उससे क्या सीख लिया। विकास कुमार पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं सर जी राम राम जी की, राम राम जी जी। ज्योति, सर हमने ऐसा क्यों लग ज्योति जी पूछ रही है, सर हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने प्रियजनों को बचा सकते थे, यह मृत निश्चित होती है, प्लीज सजेस्ट। देखिए आपको लगेगा आपका जो पूरा पुतला या कह लो ये पूरा स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो ऐसे ही बनाया गया,
आपको लगना एक अलग बात है, लेकिन ये लगना आता कहाँ से, ये थॉट कहाँ से आते हैं, आपके अंदर इमोशंस कहाँ से आते हैं? अब एक मशीन है, आप एक मशीन लाते हो, मशीन खराब हो जाती है, आप उसको खत्म कर देते हो, मशीन को कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इमोशंस नहीं है, आपके अंदर इमोशंस हैं। आपको ये बताया गया है कि किसी का मरना गलत है, किसी का जन्म लेना अच्छा है, तो आपकी पॉलिसिंग इस हिसाब से हुई है, लेकिन ये सही है तो ये तो जरूरी नहीं है। मेरे हिसाब से जितना जल्दी कोई यहाँ से चला जाए और उस संसार में रहेगा वो ज्यादा अच्छा होता है, और वो नेचुरली जाएगा तो उससे भी अच्छा होता है। तो मैंने ये सीखा है, आपने क्या सीखा है? बच्चे का जन्म होना बहुत अच्छा है, किसी के यहाँ से जाना बहुत गलत है, तो डिफरेंट है ना, और यही अटैचमेंट हमें परेशान करता है।